नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड इस धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, आपको पिछली कड़ी की बात से जोड़ देते हैं। पिछली कड़ी में हमने देखा कि इस समय तथागत बुद्ध उस जंगल में है जिस जंगल में डाकू अंगुलीमाल का राज है। अब डाकू अंगुलीमाल से मिलने तथागत बुद्ध गए और तथागत को उस मार्ग से जाने के लिए लोगों ने रोका भी, लेकिन तथागत एक निश्चय के साथ निकले कि आज इसके जीवन को बदल दिया जाए, इसे इसका जो ये कुमार्ग है इस कुमार्ग से निकालकर इसे सन्मार्ग पर ले आया जाए। और तथागत चले गए। अब तथागत चल रहे हैं और डाकू अंगुलीमाल ने देखा दूर से कि कोई श्रमण आ रहा है, ये उनके पीछे पीछे हो लिया, दौड़कर भागकर उनको पकड़ने की कोशिश में है, ये सोचकर कि इस श्रमण की हत्या करूंगा और इसकी उंगली काटकर अपनी उस माला में पिरो लूंगा जो उसने गले में डाल रखी थी। लेकिन देखिए कि अंगुलीमाल और तथागत, इन दोनों का आमना सामना हुआ और अंगुलीमाल कहता है कि हे श्रवण, ये क्या है, रुक जा, मैं तुझे दौड़ दौड़ कर पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तुम पकड़ में ही नहीं आ रहा। तथागत कहते हैं, अरे भाई मैं तो कब का रुका हूं, अब तू भी रुक जा। और फिर उससे आगे वो एक बात उससे कहते हैं, अब बड़ी मार्मिक बात है। तथागत कहते हैं कि देखो, अभी तुम्हारे अंदर का, तुम्हारे भीतर का कुशल मरा नहीं है, मतलब तुम्हारे भीतर अभी अच्छाई का अंत नहीं हुआ है। अब देखिए, तो बड़ी सामान्य सी बात है, अच्छाई हो चाहे बुराई हो, वो सब हमारे अंदर समाई हुई है। एक पल नहीं लगता अच्छे को बुरा बनने में और बुरे को अच्छा होने में, बस कोशिश करनी होती है, प्रयास करना होता है। और अच्छाई की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो तो बुराई कमजोर पड़ जाती है, और यदि बुराई बुराई की ही प्रैक्टिस होती रहे, यदि वही काम चलता रहे, तो अच्छाई बहुत पीछे छूट जाती है। और तथागत ने बस इसी धागे को अंगुलीमाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि देखो, अभी तुम में अच्छाई है, अभी तुम्हारे अंदर का, तुम्हारे भीतर का कुशल अभी मरा नहीं, बस उसे एक अवसर दे दो। तथागत कहते हैं, बस उसे एक अवसर दे दो, अगर एक अवसर उसे दे दिए तो बिल्कुल आप एक अच्छा व्यक्ति बन जाओगे और तुम्हारी काया पलट देगा वो एक अवसर। अब देखिए आगे की बात, तो अंगुलीमाल पर तथागत के वचनामृत का प्रभाव पड़ा। बाबा साहेब लिखते हैं कि अंगुलीमाल पर तथागत के वचनामृत का प्रभाव पड़ा और बोला, आखिर इस मुनि ने मुझे जीत ही लिया। हम अगर अंगुलीमाल का वो पूर्व जीवन देखते हैं, एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में उनका पूरा जीवनचर्या रही है, बस उनके जीवन में ये जो डाकू बनने वाली स्थिति या फिर लोगों की हत्याएं करने वाली स्थिति तब बनी जब उनके गुरु ने उनसे गुरु दक्षिणा मांग ली, और गुरु दक्षिणा में उन्हें ऐसा मांग लिया कि 1000 लोगों की हत्या करने वाली बात। अब देखिए कि अचानक जब एक प्रभावशाली श्रमण उनके सामने आया, यानी कि तथागत बुद्ध, तो उनके प्रभाव में वो एक पल में उनका हो गया और कहने लगा कि इस मुनि ने मुझे जीत ही लिया। और फिर वो कहने लगा, और अब जब आपकी दिव्य वाणी ने मुझे हमेशा के लिए पाप विरत होने को कह ही दिया है, तो मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अंगुलीमाल कहता है कि जब आपकी वाणी ने, जब मुझे इस बात के लिए आमंत्रण दिया कि मैं अच्छा हो जाऊं, तो मेरा दिल भी ये कह रहा है कि अब मैं आपके साथ हो लूं, मैं आप पर विश्वास कर लूं। और अंगुलीमाल ने अपने गले में से अंगुलियों की माला उतार कर दूर फेंक दी
एक पल में देखिए परिवर्तन झट से होता है। आपने कई लोगों को ऐसे देखा होगा जो लोग उनकी बुरी आदतों को छोड़ने का रोज संकल्प लेते हैं, और ये संकल्प कैसे लेते हैं, तो हर दिन रात में संकल्प लेते हैं और फिर रात में जब सुबह हो जाती है तो वो संकल्प को भूल जाते हैं और फिर वैसे ही बन जाते हैं जैसे पिछले दिन थे। तो इस तरह के संकल्प होते हैं। तो बदलने की प्रक्रिया ये नहीं होती कि किसी चीज को धीरे 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 बदलेंगे, नहीं। अगर बुराई बहुत कड़ी है तो उसको उतनी ही कड़ाई से, उतनी ही कठोरता से हमें छोड़ देना होता है। अंगुलीमाल की इस जीवनचर्या से हम इतनी बात को जरूर सीख सकते हैं कि जिसे सिर्फ हत्याएं करने का ही एक जुनून है, उस जुनून से वो एक पल में हट गया और उसने कहा ठीक है। अंगुलीमाल ने अपने गले से अंगुलियों की माला उतारकर दूर फेंक दी और तथागत के चरणों में गिरकर धम्म दीक्षा की याचना की। अब वो तथागत से याचना करने लगा कि भगवान मुझे अपने शरण में ले लीजिए। तो शास्ता तथागत बुद्ध बोले भिक्षु आ। तथागत के पास उस वक्त दीक्षा का यही एक तरीका था कि वे जिस किसी को भी संघ का अनुगामी बनाते थे उसे भिक्षु जीवन में आने के लिए अनुमति देते थे, तो बस वे कहते थे एहि भिक्खुवे, यानी कि भिक्षु आ, आ तेरा स्वागत है और अब तू इस संघ का सदस्य है। तो देखिए देवताओं और मनुष्यों के शास्ता ने कहा कि भिक्षु आ, और अंगुलीमाल उसी समय भिक्षु बन गया। भिक्षु अंगुलीमाल को अपना अनुचर बनाकर तथागत श्रावस्ती के जेतवनाराम में वापस लौट गए और ठीक उसी समय राजा प्रसेनजीत के महल के आंगन में एक बड़ी भारी भीड़ चिल्ला चिल्ला कर राजा से कह रही थी कि तुम्हारे राज्य में जो अंगुलीमाल डाकू है वो बहुत अत्याचार कर रहा है। भीड़ को यह पता ही नहीं था कि अंगुलीमाल का जीवन बदल चुका है। भीड़ राजा के पास गई राजदरबार में, और राजदरबार में सामने खड़ी होकर वो भीड़ चिल्ला रही है कि हे राजन, हमें उस डाकू से बचाओ जो बड़ा क्रूर है और वो लोगों को मारता है, राहगीरों को लूटता है। और उन्हें ये पता ही नहीं कि तथागत अंगुलीमाल को अपने साथ लेकर श्रावस्ती चले आए हैं। तो भीड़ चिल्ला चिल्ला कर राजा से कह रही थी तुम्हारे राज्य में जो अंगुलीमाल डाकू है वो बहुत अत्याचार कर रहा है, जुल्म ढा रहा है, निर्दोष लोगों को जान से मार रहा है और उन्हें जख्मी बना रहा है। जिन लोगों को वह जान से मारता है उनकी उंगलियां काट काट कर माला में पिरो लेता है और उसे अभिमान पूर्वक धारण करता है। महाराज उसका दमन करें। वे लोगों की बड़ी सामान्य सी आशा है, अपेक्षा है अपने राजा से कि वो उनके जीवन को बचा ले, क्योंकि ये डाकू राह चलते राहगीरों को लूटता है, और सिर्फ लूटता नहीं है तो फिर क्या करता है, उनको मारता भी है, उनकी हत्या करता है और फिर उनकी उंगली काट लेता है और उंगली काट कर उसे अपने गले की माला में पिरोता है। ये क्या वहशियत है। तो वे कहने लगे कि भाई उसका दमन करें, उसे रोकें। प्रसेनजीत ने उसका मूलच्छेद कर डालने का आश्वासन दिया, लेकिन वो कुछ भी कर सकने में असमर्थ रहा। एक दिन राजा प्रसेनजीत तथागत के दर्शन के लिए जेतवन गया। अब श्रावस्ती में आया है, जेतवन में अनाथ पिंडिक का जेतवन आराम, जो बौद्धों की जो जीवनचर्या है उस जीवनचर्या में ये नाम बार बार आता है, क्योंकि इस जगह पर श्रावस्ती में तथागत ने बहुत लंबा समय गुजारा है, अनाथ पिंडिक के जेतवन आराम में। तो वो जेतवन पहुंचे, राजा प्रसेनजीत, तथागत का दर्शन किया। तथागत ने प्रश्न किया, राजन क्या मगध के नरेश सैनीय बिंबिसार के साथ मामला कुछ गड़बड़ाया है, या फिर वैशाली के लिच्छवियों के साथ, अथवा किसी अन्य विरोधी शक्ति के साथ। तथागत इस बात को समझ चुके थे। अक्सर होता यह है कि राजा तथागत के पास किसी भी तरह की सलाह मशवरे के लिए तब जाते हैं जब उनके राज्य पर कोई आक्रमण करता है या फिर कोई आपत्ति हो आती है। तो इस दृष्टि से तथागत ने उनसे पूछा, क्या मगध नरेश से कोई
तकलीफ है, कुछ गड़बड़ी हो गई है, या फिर लिच्छवियों के साथ कोई परेशानी है, क्या हुआ क्या है? तो राजा प्रसेनजीत ने कहा, भगवान इस प्रकार की तो कोई बात नहीं है, किंतु मेरे राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है जो मेरी प्रजा को बहुत कष्ट दे रहा है। मैं उसका दमन करना चाहता हूं, किंतु मैं असमर्थ सिद्ध हुआ हूं। प्रसेनजीत अपनी असमर्थता, अपनी कमजोरी, अपनी एक ऐसी पेशोपश, एक अपनी ऐसी परेशानी जिसका वो हल नहीं ढूंढ पा रहा है, उसका हल ढूंढने तथागत के पास पहुंचा है। अब तथागत, आप तो जानते हैं कि वहां की स्थिति क्या है, क्योंकि अंगुलीमाल को तो उन्होंने अपना अनुगामी बना लिया है। तथागत ने उन्हें ये बताया नहीं, लेकिन आगे की बात बड़ी मार्मिक है, आगे की बात आपको बताएंगे, लेकिन यहां हमें रुकना होगा। लेकिन इन सारी घटनाओं से हमने एक बात को समझ लेना चाहिए कि जो लोग नैतिक शिक्षा सिखा देते हैं, तथागत नैतिकता सिखाते हैं, नैतिक जीवन यापन करने की शैली लोगों को प्रदान करते हैं, तो जो लोग नैतिकता सिखाते हैं उनसे बड़े बड़े लोग और बड़े प्रभावशाली लोग उनसे मिलने आते हैं और मिलकर ये जानने समझने का प्रयास करते हैं कि उनकी परेशानियों का हल कैसे निकलेगा। तो इसलिए एक नैतिक जीवन यापन करने वाले जो लोग होते हैं वो अपने आप में प्रभावशाली होते हैं और वो सभी के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र होते हैं और सभी के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक भी होते हैं। भिक्खु संघ बनाने के पीछे तथागत का भी उद्देश्य यही था, क्योंकि वे समाज का एक मार्गदर्शक बनाना चाहते थे, समाज का एक सच्चा मित्र बनाना चाहते थे। समाज का मतलब किसी विशिष्ट समुदाय की बात नहीं हो रही, समाज मतलब ये पूरी सोसाइटी, मनुष्य समुदाय की। तो इस पूरे मनुष्य समुदाय का एक अच्छा मार्गदर्शक बनाना, ये भी तथागत का एक उद्देश्य था। यहां इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि प्रसेनजीत तो राजा है, लेकिन वे तथागत के पास आकर उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं। यदि तथागत न मिलते तो कोई भिक्षु मिल जाते, तो भिक्षु से वे पूछते कि मेरी इस समस्या का क्या हल हो सकता है और अच्छा हल क्या हो सकता है, मैंने इस पर क्या उपाय ढूंढना चाहिए। तो इस तरह के सलाह मशवरे के लिए इन आदर्श व्यक्तियों की और उनके समुदाय की जरूरत होती है, और इसीलिए भिक्खु संघ का इसमें बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ये वही समूह है जो समूह नैतिकता की प्रैक्टिसिंग करता है और नैतिकता के साथ अपना जीवन यापन करता है। तो यहां रुकेंगे, इस वादे के साथ रुकते हैं कि पुनः आपसे भेंट होगी कल, जब हम इसी पठन पाठन की प्रक्रिया से जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।